भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बारिश लगातार बाधा डालती हुई नजर आ रही थी। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का ही खेल हो पाया। इसके अलावा मैच का दूसरा और तीसरा दिन बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। ऐसे में भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 6 ही सेशंस मिले। चौथे दिन के पहले सेशन की शुरुआत तो भारतीय टीम ने शानदार तरीके से की। आकाशदीप और बुमराह की सदी हुई गेंदबाजी के कारण बांग्लादेशी बल्लेबाज रन बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच भारत ने इस सेशन में 3 विकेट भी हासिल कर लिए। रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज ने शानदार कैच पकड़कर भारत को 2 सफलताएं दिलवाई, लेकिन इसी बीच मोमिनुल हक दीवार बनकर खड़े हो गए। भारत और बांग्लादेश के बीच जीत और ड्रॉ के रास्ते में खड़े बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज मोमिनुल हक ने शानदार शतक लगा दिया। भारत की सरजमी पर टेस्ट में शतक लगाने वाले मोमिनुल दूसरे बांग्लादेशी बल्लेबाज बने। इससे पहले बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने भारत में टेस्ट शतक लगाया था। लंच तक मोमिनुल ने 176 गेंदों का सामना करते हुए 102 रनों की नाबाद पारी खेल ली। इस पारी में लंच तक वो 16 चौके और 1 छक्का भी लगा चुके थे। भारत मैच के चौथे दिन इस इरादे से उतरा था कि बांग्लादेश के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द पवेलियन भेजकर इस मैच को किसी भी तरीके से अपने नाम किया जाए, लेकिन भारत के इस प्लान पर मोमिनुल हक ने पानी फेर दिया। स्पिनर्स के खिलाफ तो खासकर मोमिनुल ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के खिलाफ शानदार स्वीप शॉट्स लगाए और अपने करियर का 13वां टेस्ट शतक लगा दिया। मोमिनुल 1984 के बाद से कानपुर में टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले साल 2004 में एंड्रयू हॉल ने इसी मैदान पर टेस्ट शतक लगाया था। भारत को कानपुर टेस्ट में फतह हासिल करनी है तो पहले मोमिनुल हक की चुनौती को पार करना होगा। इसके बाद ही भारत इस टेस्ट मैच में जीत के बारे में सोच सकता है।